राधे कृष्ण दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं इंद्रा एकादशी व्रत की जानकारी। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के शालिक राम की पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन विधिवत तरीके से दान देने से मोक्ष और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इंद्रा एकादशी व्रत रखने से इसके प्रताप से पितरों को यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इंद्रा एकादशी का व्रत करना चाहिए। और अब जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत का महत्व। इसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दे दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता एवं इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। व्रत करने वाला भी स्वयं स्वर्ग में स्थान पाता है। इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से पितरों की नाराजगी दूर होती है। ये व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा बरसने लगती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। आइए अब जानते हैं इंद्रा एकादशी कब है और पूजा का मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर में 12:36 से होगी। इस तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर में 3:08 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। नोट कर लीजिए इंद्रा एकादशी व्रत पूजा के शुभ मुहूर्त। इंद्रा एकादशी के दिन आप प्रातः काल से ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सुबह 9:13 से लेकर के दोपहर के 1:35 के बीच कभी भी इंद्रा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसमें लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर के दोपहर के 12:08 तक है, जबकि अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:08 से दोपहर के 1:35 तक है। साध और शुभ योग में इंद्रा एकादशी का व्रत होगा। इस साल की इंद्रा एकादशी साध और शुभ योग में है। व्रत वाले दिन साध्य योग प्रातः काल से लेकर सुबह 7:47 तक है। उसके बाद से शुभ योग का प्रारंभ हो जाएगा जो पूरे दिन है। ये दोनों ही मांगलिक कार्यों और पूजा पाठ के लिए अच्छे योग माने जाते हैं। नोट कर लीजिए इंद्रा एकादशी व्रत पारण का समय। जो लोग इंद्रा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:19 से लेकर के सुबह के 8:39 के बीच कभी भी कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 5:37 पर होगा। आइए अब जानते हैं
एकादशी व्रत की विधि। इंद्र एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दसवीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दसवीं के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्र एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को निराहार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर शालिग्राम जी की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं, धूप दीप जलाकर रोली चावल से पूजा करें, फल फूल अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम को तुलसी अवश्य चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद इंद्र एकादशी व्रत का महात्म और कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें, फिर विधि विधान से श्राद्ध करके ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। स्वयं दिन भर निर्जल एवं निराहार रहकर व्रत करें। यदि शक्ति ना हो तो जली आहार और फलाहार कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ मौन रहकर खाना खाएं। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन काम क्रोध आलस्य का त्याग करके सात्विक जीवन जिए। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। अब जानते हैं इंद्र एकादशी व्रत के नियम। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है। मान्यता है इस दिन चावल का सेवन करने वाले मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इसके साथ ही इस व्रत को न रखने वालों को भी चावल नहीं खाने चाहिए। इसके साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होने की मान्यता है। एकादशी के दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन महिलाओं का अपमान करने से व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। मान्यता है इस दिन महिलाओं का अपमान करने वालों के को कष्टों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन मदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने वाले जातक को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। इंद्र एकादशी व्रत में इन नियमों के साथ साथ इंद्र एकादशी व्रत में ये सावधानी भी जरूर रखें। इंद्र एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करें। घर में लहसुन प्याज या तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करें। काले या नीले वस्त्र ना पहनें। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रखें। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाकर ना रखें। एकादशी के व्रत में चावल खाने से परहेज करें। इसमें पालक बैंगन और मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इंद्र एकादशी के दिन ये काम बिल्कुल ना करें। इस दिन स्त्रियां बाल न धोएं। इस दिन क्रोध और आलस्य बिल्कुल ना करें। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और न ही इस दिन बाल दाढ़ी बनाना है और न ही इस दिन नाखून काटें। इस दिन ये काम अवश्य करें। एकादशी व्रत के एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इंद्र एकादशी व्रत की पूजा करते समय भगवान को गंगा जल और तुलसी जल जरूर चढ़ाएं। इंद्र एकादशी व्रत के दिन
भगवान विष्णु के मंत्र का जप तुलसी अथवा पीले चंदन की माला से करें। दोस्तों ये काम जरूर करें इंद्रा एकादशी पर, और ये भगवान विष्णु जी की स्तुति है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। इसका इंद्रा एकादशी पर जब अवश्य करें। अब इस पोस्ट से हमको आप आज्ञा दें और स्वीकार करें मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार। दोस्तों आपको यदि पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। हमारी पोस्ट में जो भी कमी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे आशा और सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।